करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राहुल गांधी नामांकन करने रायबरेली पहुंचे, यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में मौजूद रहे। अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल भी रायबरेली पहुंचे। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से राहुल का मुकाबला है। 20 मई को पांचवें चरण में रायबरेली में चुनाव है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने भी रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सभी को चौंकाने वाली यह लिस्ट सामने आई। और जहां पर राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और इसी के तहत नामांकन के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। बीजेपी के तमाम आपको बता दें कि अब इस पूरी सीट को लेकर कई कयासबाजी लगाई। दिनेश प्रताप सिंह से राहुल का मुकाबला रहने वाला है बीजेपी के। 20 मई को पांचवें चरण में रायबरेली में चुनाव है, यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 20 मई को पांचवें चरण में रायबरेली में चुनाव है, राहुल गांधी नामांकन करने रायबरेली पहुंचे, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट, राहुल गांधी नामांकन करने के लिए रायबरेली पहुंचे हैं। सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा भी साथ में मौजूद। बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी हैं। बहुत कैसे हो? सही, ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हमें कैसी राजनीति वापस, यहाँ से शुरू करेंगे, जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद। तो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर पर लगातार अब बयानबाजी भी हो रही है, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया है। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार में अमेठी रायबरेली में चुनाव लड़ने का साहस नहीं हो रहा है, लेकिन किसी ने उन्हें समझाया होगा कि पिछली बार सोनिया गांधी इतने मतों से जीत गई थी, इसीलिए आप अमेठी ना जाकर रायबरेली से जरूर जीत जाएंगे और यहां से आप चुनाव लड़िए।